राजस्थान में कांग्रेस के बीच जारी सियासी रण के फैसले का सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस के इस सियासी घमासान पर कांग्रेस के खेमे से कहीं ज्यादा बीजेपी के खेमे की नजर है। साल 2020 से ही जब सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बगावत की थी, तब से ही बीजेपी के कई बड़े नेता सचिन पायलट के गुणगान में लगे हैं। प्रदेश में बीते महीने हुए सियासी ड्रामे और विधायक दल की बैठक के बहिष्कार को लेकर हुए घमासान के साथ ही लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर नजर आ सकते हैं। कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करेंगे। उम्मीद है इस दौरान राजस्थान के दोनों नेता शामिल होंगे। खड़गे के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी दिल्ली आ चुके हैं। खड़गे के चार्ज संभालने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान संकट पर कुछ फैसला हो सकता है। वहीं कांग्रेस आलाकमान के सामने चुनावों को देखते हुए राजस्थान में खींचतान पर कोई बीच का रास्ता निकालना बड़ी चुनौती होगा। दरअसल गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये दूसरा सियासी संकट है जिसे एक महीना पूरा हो गया है। एक महीने पहले ही वो कहानी सबके जहन में ताजा है कि किस तरह सीएम अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा के बीच राजस्थान के नए सीएम के नाम पर वार्ता शुरू हुई, तो किस तरह सचिन पायलट को सत्ता से दूर रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत समर्थक अधिकांश विधायकों ने आलाकमान के एक लाइन के प्रस्ताव को ठुकरा कर अपने इस्तीफे स्पीकर को दिए थे। 25 सितंबर 2022 को उठा हुआ सियासी बवंडर फिलहाल शांत है, लेकिन कहा जा सकता है कि थमा नहीं है। इस बवंडर की शांति के पीछे बड़ा कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। अब चुनाव हो चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष चुन लिए गए थे और आज उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया। माना जा रहा है कि उसके बाद राजस्थान की सीएम की कुर्सी की फाइल फिर खुलेगी और मरुधरा की राजनीति में फिर गर्माहट आएगी। इस एक महीने के दौरान राजस्थान की राजनीति में कई मोड़ आए। पायलट समर्थक बगावत पर कार्रवाई की बात जोह रहे हैं और गहलोत समर्थक निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। वहीं गहलोत गुट के ही कई विधायकों ने अब खुलकर पायलट के समर्थन में भी अपना बयान देना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष के सामने कुर्सी संभालते ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल चुनावों पर फोकस करना चाहती है और राजस्थान के संकट पर फैसला टाला जा सकता है। साल 2020 में जब सचिन पायलट बगावत करके मानेसर चले गए थे, तब भी करीब एक महीने तक खूब सियासी ड्रामा चला था। लंबी चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार आलाकमान और पायलट समर्थकों में सहमति बनी, लेकिन एक बार फिर एक महीने पहले यानी 25 सितंबर 2022 को प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जो पार्टी आलाकमान से आया सामने एक लाइन प्रस्ताव पास नहीं हो सका। उसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से माफी भी मांगी। बाद में गहलोत खेमे के तीन नेताओं मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में शांति छाई हुई है। दोनों खेमे चुप हैं, बयानबाजियों पर रोक लगी हुई है, लेकिन सियासी पारा अभी ठंडा नहीं हुआ है। ये बात दीगार है कि वो सड़क पर नहीं आ रहा बल्कि अंदर ही अंदर सुलग रहा है।